अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे प्राइस लेवल सेट करना और प्राइस लिस्ट बनाना, सेल्स वाउचर बनाते समय प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट का उपयोग करना, साथ ही बताएंगे प्राइस लिस्ट में बदलाव करना यानी प्राइस को रिवाइज करना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको स्टैंडर्ड रेट्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप किसी आइटम के रेट्स कस्टमर की परचेसिंग पावर के हिसाब से अलग अलग रखना चाहते हैं तो ये काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट क्या है। मान लीजिए हम एक बड़े व्यापारी हैं और दिन भर में बहुत से कस्टमर्स को माल बेचते हैं, जिसमें से कुछ होलसेलर्स होते हैं, कुछ रिटेलर्स होते हैं और कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो खुद के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं। ऐसे कस्टमर्स को हम आगे कंज्यूमर कहेंगे। यहाँ होलसेलर से तात्पर्य ऐसे व्यापारियों से है जो ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं और आगे रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को माल बेचते हैं। रिटेलर्स से तात्पर्य ऐसे व्यापारियों से है जो थोड़ा थोड़ा माल खरीदते हैं और कंज्यूमर्स को बेचते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब होलसेलर ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदता है तो वो चाहता है कि हम उसे माल कम भाव में दें, और अगर वह और ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदता है तो भाव में कुछ और कमी करने के लिए या अतिरिक्त डिस्काउंट देने के लिए कहता है। इसी प्रकार रिटेलर भी हमसे कभी कभी ज्यादा माल खरीदने पर रेट में कुछ और कमी करने के लिए या अतिरिक्त डिस्काउंट देने के लिए कहता है। ऐसे में एक समस्या आती है कि हम अलग अलग टाइप के कस्टमर्स जैसे होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग रेट्स कैसे याद रखें, और ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम उन्हें ज्यादा क्वांटिटी पर कुछ डिस्काउंट और देना चाहते हैं। बस इसी समस्या के समाधान के लिए टैली ने हमें अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स जैसे होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के लिए अलग अलग प्राइस लेवल सेट करने और फिर उनकी प्राइस लिस्ट बनाने का ऑप्शन दिया है। आगे बढ़ने से पहले प्राइस लिस्ट के बारे में भी समझा देते हैं। हर दुकानदार किसी भी सामान को बेचने से पहले उसका रेट निर्धारित करता है और इसी तरह वो सभी आइटम्स के निर्धारित रेट की एक सूची तैयार करता है और इसी सूची यानी लिस्ट को प्राइस लिस्ट कहते हैं। अब यदि हम प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट बना लेते हैं तो इससे हमें अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट्स याद रखने की जरूरत नहीं होगी। हमें सेल्स वाउचर बनाते समय बस प्राइस लेवल सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही जिस प्राइस लेवल का कस्टमर होगा उसके अनुसार आइटम्स के रेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और यदि हम प्राइस लेवल को कस्टमर के लेजर पर ही सेट कर देते हैं तो फिर हमें वाउचर बनाते समय प्राइस लेवल भी सिलेक्ट नहीं करना होगा, बस क्वांटिटी टाइप करते ही आइटम के रेट अपने आप आ जाएंगे। चलिए देखते हैं ये सब काम हम टैली पर कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम आपको तीन प्राइस लेवल की तीन रेट लिस्ट बता रहे हैं। इन्हीं के आधार पर पहले हम प्राइस लेवल बनाएंगे और फिर उनकी प्राइस लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आपको इन्हीं के आधार पर सेल्स इनवॉइस बनाकर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने पहले से ही एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें हमने स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरीज बना रखी हैं। ये सभी कैसे बनाते हैं यह हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। इनके अलावा हमने स्टॉक आइटम्स और सभी जरूरी लेजर्स भी बना लिए हैं, साथ ही हमने कुछ आइटम्स की परचेस भी करके रखी है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। सबसे पहले हमें F11 प्रेस करके दो ऑप्शंस को चालू करना होगा। कंपनी फीचर्स ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। हम बैक स्पेस से शो मोर फीचर्स पर जाकर इसे यस कर रहे हैं। इसके बाद बैक स्पेस से शो ऑल फीचर्स पर जाकर इसे भी यस कर रहे हैं।
अब इन्वेंटरी के अंतर्गत इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स पर जाकर इसे यस कर रहे हैं। अब इसके नीचे की ओर यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ये ऑप्शन है, इसे भी हम यस कर रहे हैं। इस ऑप्शन की जरूरत हमें तब होगी जब हम अपने किसी कस्टमर को ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट भी देना चाहेंगे। ये ऑप्शन क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये हम आपको अपनी वीडियो नंबर 88 में बता चुके हैं। अब हम इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। चलिए अब प्राइस लेवल बना लेते हैं। प्राइस लेवल बनाने के लिए हमें क्रिएट पर जाना होगा। देखिए यहां ये तीन ऑप्शंस पहले नहीं थे, पर जब हमने इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स ऑप्शन को इनेबल किया तो ये तीन नए ऑप्शंस यहां पर आ गए हैं। पहले हम प्राइस लेवल्स पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए कंपनी प्राइस लेवल्स की स्क्रीन आ रही है। यहां हम जो भी लेवल्स बनाना चाहते हैं उनके नाम टाइप करना होंगे। हम क्रमशः होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के नाम से तीन लेवल्स बना रहे हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार कितने भी लेवल्स बना सकते हैं। अब हम इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अभी हमने जो तीन प्राइस लेवल्स बनाए हैं उनके लिए तीन प्राइस लिस्ट बनाना होंगी। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यदि आपने अपनी कंपनी में स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं तो आप यहां से प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, और यदि आपने अपनी कंपनी में स्टॉक कैटेगरीज बनाई हैं तो आप यहां से प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि आपने स्टॉक ग्रुप्स या स्टॉक कैटेगरीज नहीं बनाई हैं और सीधे आइटम से बनाए हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन से प्राइस लिस्ट बनाने का तरीका सेम है। यहां हम प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है। हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए हैं यदि हम उन सभी की प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ऑल आइटम्स सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां हम जिस लेवल की प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम के आगे हमें वो डेट टाइप करनी होगी जिस डेट से हम प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल करना चाहते हैं। हम 1 अप्रैल टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा करते ही प्राइस लिस्ट की नई स्क्रीन आ रही है जिसमें राइट साइड में सभी आइटम्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप सभी आइटम्स की प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इनमें से एक एक को सिलेक्ट करके बना सकते हैं। हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं, इसलिए स्केप की प्रेस करके पिछली स्क्रीन पर चलते हैं और यहां हम स्टॉक ग्रुप बीपीएल टीवी सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट की स्क्रीन आ गई है और लिस्ट ऑफ आइटम्स में सिर्फ वो नाम आ रहे हैं जो हमारे सिलेक्ट किए गए ग्रुप में बने हैं। आपको समझाने के लिए हम सिर्फ इन्हीं आइटम्स की प्राइस लिस्ट बनाकर बता रहे हैं। हम पहला आइटम बीपीएल टीवी 20 इंचेस ले रहे हैं। ये देखिए इसे सिलेक्ट करते ही इस रो के आखिरी में इसका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य लिखा हुआ आ रहा है। इसके आधार पर हम आसानी से अपनी सेल्स प्राइस फिक्स कर सकते हैं। यहां हम क्वांटिटीज में लेस देन में 5 टाइप कर रहे हैं और यहां रेट में 25,000 टाइप कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम 5 से कम क्वांटिटी में ये आइटम बेचेंगे तो होलसेलर का रेट 25,000 होगा। हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अगली लाइन में फ्रॉम में वही क्वांटिटी आ गई है जो हमने ऊपर टाइप की थी। लेस देन में हम 10 टाइप कर रहे हैं और रेट में 24,000 टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम 5 या 5 से अधिक पर 10 से कम क्वांटिटी में ये आइटम बेचेंगे तो होलसेलर का रेट 24,000 होगा। हम एंटर प्रेस करके अगली लाइन में आ गए हैं। अब लेस देन में कोई क्वांटिटी टाइप ना करते हुए रेट पर आ गए हैं और यहाँ रेट में टाइप कर रहे हैं 24,000। अब एंटर प्रेस करके
डिस्काउंट में हम 4 टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी होलसेलर को 10 या 10 से ज्यादा क्वांटिटी में कितने भी आइटम बेचें, तो उनके रेट 24,000 में से 4% डिस्काउंट कम करके कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह हम अन्य आइटम्स में भी अपना लागत मूल्य देखकर रेट और डिस्काउंट टाइप कर रहे हैं। इसी तरह यदि आप चाहें तो ऑल आइटम सेलेक्ट करके सभी की प्राइस लिस्ट एक साथ बना सकते हैं। अंत में हम एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इस प्राइस लिस्ट को सेव कर लेंगे। ऐसा करते ही हम वापस प्राइस लिस्ट वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहां से पहले बताए अनुसार हमें रिटेलर की प्राइस लिस्ट बनानी है। अब हम कंज्यूमर की प्राइस लिस्ट भी बना लेते हैं। हमने अपनी तीनों प्राइस लिस्ट बना ली है। अब यदि हम किसी प्राइस लिस्ट को देखना चाहते हैं या किसी कस्टमर को उसका प्रिंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पहले की ही तरह आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले क्रिएट के लिए सी प्रेस करेंगे। अब प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आप अपनी जरूरत के अनुसार सिलेक्ट करें। हम यहाँ पर ऑल आइटम्स ही रहने दे रहे हैं, यहाँ होलसेलर सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए होलसेलर की प्राइस लिस्ट आ रही है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने ऑल आइटम्स सिलेक्ट किया था, पर यहाँ हमें सिर्फ बीपीएल टीवी के प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट ही दिखाई पड़ रही है। इसका कारण ये है कि हमने सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को प्राइस लिस्ट में लिया था। आपने जिन भी प्रोडक्ट्स के रेट डाले होंगे, वे सभी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ पी प्रेस करें और अब आई प्रेस करें। चलिए अब हम एक होलसेलर का बिल बनाकर देखते हैं। डेट में 1 अप्रैल टाइप कर रहे हैं। पार्टी नेम में कस्टमर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक नया ऑप्शन प्राइस लेवल दिखाई पड़ रहा है। उसके आगे हमने जितने भी प्राइस लेवल बनाए थे उनके लिस्ट आ रही है। हम जिस लेवल के कस्टमर को माल बेच रहे हैं, यहाँ हमें वो सिलेक्ट करना होगा। हम होलसेलर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आइटम का नाम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए जैसे ही हम यहाँ क्वांटिटी में 4 टाइप कर रहे हैं, होलसेलर की प्राइस लिस्ट के अनुसार रेट आ रहे हैं। हम वापस क्वांटिटी पर जाकर इसे 5 कर देते हैं। ये देखिए अब रेट चेंज हो गए हैं। हम इसे फिर से बदलकर 10 कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर रेट 24,000 आ रहा है और डिस्काउंट में 4% आ रहा है। इस तरह डिस्काउंट कम करके नेट रेट 23,040 रुपए हुआ, जिसके कारण 10 आइटम्स की वैल्यू हुई 2,30,400 रुपए, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। हम कुछ आइटम्स और ले लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान आया कि हमने इस कस्टमर को बीपीएल टीवी 40 इंचेस का भाव 43,800 बताया था, जबकि हमारी प्राइस लिस्ट के अनुसार यहाँ पर भाव 44,000 आ रहे हैं।
अब हम बैक स्पेस से वापस रेट पर चलते हैं। पर जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमारा कर्सर डिस्काउंट और रेट दोनों पर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि हम रेट में करेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए F12 की प्रेस करें। अब यहां सबसे नीचे वाले ऑप्शन मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस करें और इस स्क्रीन को सेव कर लें। और अब बैक स्पेस की प्रेस करें। ये देखिए, अब हमारा कर्सर डिस्काउंट और रेट दोनों फील्ड पर आ रहा है। यहां हम सिर्फ रेट में चेंजेस कर रहे हैं, इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब हम F12 की प्रेस करके वापस इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। आप चाहें तो अपनी जरूरत अनुसार इसे चालू भी रख सकते हैं। चलिए, अब अभी हमने जो बिल बनाया है उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, इस बिल में किसी तरह का प्राइस लेवल लिखा हुआ नहीं है। चलिए एक और बिल बनाते हैं। यदि आपने जो प्राइस लिस्ट बनाई है उनके रेट ना लेकर किसी और रेट का बिल बनाना चाहते हैं, तो यहां नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। यहां पर आप जो भी रेट डालना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। चलिए वापस पीछे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर के नाम के साथ ही उसका प्राइस लेवल जोड़ दें, जैसे ये फायदा होगा कि हमें हर बार प्राइस लेवल सिलेक्ट नहीं करना होगा और बार बार प्राइस लेवल सिलेक्ट करने से जो गलती की संभावना रहती है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो हम वापस पार्टी के नाम पर चलते हैं और अब इस लेजर को अल्टर करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। लेजर अल्टरेशन स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब यहां F12 प्रेस करेंगे और यूज प्राइस लेवल्स फॉर पार्टी लेजर्स को यस करके इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये देखिए, अब यहां पर एक नया ऑप्शन आ गया है। हम इस ऑप्शन पर चलते हैं। अब यहां पर कस्टमर के अनुसार हम उसका प्राइस लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे सेव कर लेंगे। हम बैक स्पेस की से वापस पार्टी के नाम पर आ गए हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, अब हमें प्राइस लेवल सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, वो अपने आप आ रहा है। चलिए अब इस वीडियो का आखिरी ऑप्शन प्राइस लिस्ट में करेक्शन करना भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्राइस लिस्ट बनाई है और उसमें कुछ गलती रह गई है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए ऑल्टर सिलेक्ट करेंगे। अब यहां से प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पर जाएंगे और यहां जरूरत अनुसार सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें, हम इस प्राइस लिस्ट की डेट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और अब जो करेक्शन करना हो वो करके इसे सेव कर लें। अभी हमने जो करेक्शन किया है, चलिए वापस उसे देख लेते हैं। ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो गए हैं। इसी तरह यदि आपको पहले से बनी किसी प्राइस लिस्ट को अन्य किसी डेट में बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हैं। यहां हम BPL TV और यहां रिटेलर ले रहे हैं और डेट बदलकर 5 अप्रैल कर रहे हैं। देखिए, यहां पिछली प्राइस लिस्ट के सभी आइटम्स के नाम आ रहे हैं और यहां कॉस्ट प्राइस और 1 अप्रैल के प्राइस लिस्ट के रेट भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहां नए रेट्स डालकर नई प्राइस लिस्ट बना लेते हैं। अब इसे सेव कर लेंगे। ध्यान रखें, यदि आप 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच बिल बनाएंगे तो आइटम्स के रेट 1 अप्रैल वाली प्राइस लिस्ट के अनुसार ही एप्लीकेबल होंगे। और चूंकि आपने 5 अप्रैल को एक नई प्राइस लिस्ट बना ली है, तो आप 5 अप्रैल या उसके बाद बिल बनाएंगे तो रेट 5 अप्रैल वाली प्राइस लिस्ट के ही एप्लीकेबल होंगे। आइए अब रिवाइज प्राइस लिस्ट को भी समझ लेते हैं
उसके लिए प्राइसलेस स्टॉक ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ रिवाइज्ड प्राइस के लिए ऑल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे। ये देखिए ऊपर रिवाइज प्राइस लिखा आ रहा है। अब अपनी जरूरत के अनुसार सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम डेट बदलकर 10 अप्रैल कर रहे हैं। एक खास बात ध्यान रखें कि यहाँ नीचे दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं और उनमें भी कई टाइप्स दिखाई पड़ेंगे। हमें इन दोनों के टाइप्स में से कम कोई एक तो सिलेक्ट करना ही होगा, तभी हम रिवाइज प्राइस लिस्ट बना पाएंगे। आप अपनी जरूरत अनुसार इनमें से एक या एक से ज्यादा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां हम डिक्रीज बाय अमाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करते ही हमसे पूछा जा रहा है कि आप पूरी प्राइस लिस्ट के प्रत्येक आइटम में कितने रुपए कम करना चाहते हैं। हम समझने के लिए एक टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक मैसेज आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट बन गई है, इसे देखने के लिए कोई भी की प्रेस करें। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए इसके पहले वाली प्राइस लिस्ट भी दिखाई पड़ रही है और रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें सभी आइटम्स में एक रुपया कम हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट बनाने पर सभी स्टॉक आइटम्स में एक जैसा चेंज आता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने जाना प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।